जिम्नोस्पर्म का जो युग्मोद्भिद होगा उसमें क्या होगा, दो या अधिक मादा जननांग हो सकते हैं। जो जिम्नोस्पर्म का जो युग्मोद्भिद होगा उसमें जो मादा अंग है वो क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो भी हो सकते हैं और दो से क्या हो सकते हैं आपके, अधिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या था, मुख्य पादप कैसा था आपका, युग्मोद्भिद। ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, इनको लर्न करना है। मुख्य पादप कैसा था आपका, युग्मोद्भिद। दूसरा कैसा था आपका, बीजाणुभिद। तो युग्मोद्भिद स्वतंत्र रूप से रह सकता था, बीजाणुभिद अगर टेरिडोफाइटा में था तो वो स्वतंत्र रूप से रह सकता था, मतलब दूसरे की जरूरत नहीं थी। पर जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे आपके, युग्मोद्भिद स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तरह क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म में युग्मोद्भिद स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो नर की, अब ये मादा वाले भाग की बात की, अगर अपन नर वाले भाग की बात की तो नर कहाँ लगेगा बताओ फटाफट, लघु बीजाणुधानी पे या गुरु बीजाणुधानी पे। हाँ, कहाँ लगेगा आपका, लघु बीजाणुधानी पे। कहाँ लगेगा, लघु बीजाणुधानी पे। कौन लगेगा आपका, नर, ठीक है। लघु बीजाणु में क्या होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाएगी आपके, लघु बीजाणु। वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, नर भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लघु बीजाणुधानी उसमें लगेंगे लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को जन्म देने वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बना दिया आपके, लघु बीजाणु। और इसको क्या मानते हैं अपन, नर। जैसे उच्च कोटि के बालकों में पुंकेश्वर होता ना, पुंकेश्वर, वैसे ही जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ये लघु बीजाणु किसकी तरह काम करेगी आपके, पुंकेश्वर की तरह काम करेगी। पुंकेश्वर ऐसा याद आ रहा होगा, ये आपका फ्लावर है, ये फूल है, इसमें क्या है परागकण होते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, परागकोष। तो जो परागकण है ये क्या है, नर भाग, इनको क्या कहते हैं अपन, पुंकेश्वर। वो यहाँ आके अटैच होते हैं, जुड़ते हैं। वैसे ही निम्न कोटि के पादपों में क्या होंगे, लघु बीजाणु। अब देखो थोड़ा सा समझो, अपन छोटी क्लासों से पढ़ते हैं। ये एक आपका पुष्प है, ठीक है, आप पुष्प ले आना। अगर अच्छा कोई किसी को बड़ा पुष्प मिले, दतुरा में जाएगा आसपास में तो दतुरे का पुष्प ले आना, कल मैं अच्छे समझा दूंगी। ये क्या है आपका, वर्तिकाग्र। ये आपको ध्यान रखना है बायोलॉजी के स्टूडेंट, वर्तिकाग्र। ये क्या आपकी, वर्तिका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, अंडाशय। ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, मादा। ये क्या आपका, मादा, ठीक है। अब यहां से निकलेंगे पराग, इसको क्या बोलेंगे, परागकोष। इसको क्या बोलेंगे, परागकोष। इसके अंदर क्या होंगे आपके, परागकण। इसको क्या बोलेंगे, फूतंतु। ये धागा सा दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फूतंतु। और इसको और इसको जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी आपकी, योजिका। इसको और इसको जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी आपकी, योजिका। अब देखो एक क्रिया होती है परागण। देखो मैंने एक दिन पहले भी कहा था दो शब्द यूज करोगे, परागण। एक होता है पराग कण, कण तो कौन है, ये, ठीक है। परागण का मतलब क्या होता है समझ लो, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण की क्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। तो परागण जैसे इस पे पहुंचेंगे, बहुत सारे पहुंचेंगे, एक तो पहुंचेगा नहीं,
इसके अलावा आवर्त बीजी,
जियोजी, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में क्या होंगे, परागकण बनेंगे और अंडक बनेंगे, बीजांड बनेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो पुष्पी पादप है उनमें बीज कहाँ होंगे, फल के अंदर होंगे। बीज कहाँ होंगे, फल के अंदर होंगे। आप कोई सा भी फल उठा के देख लेना, उसके अंदर बीज बनते हैं, फल के अंदर बीज बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ा पादपों का वर्ग, इतने सारे पादप, कितनी वैरायटी के पादप मिलेंगे, दुनिया भर के पादप मिलेंगे, ठीक है। अब ये पादप पृथ्वी पर ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनके बीज के चारों ओर क्या था, आपका आवरण था। जैसे परिस्थितियां विपरीत हुई तो ये अपना जो जनन द्रव्य था वो बीज के अंदर स्टोर कर लेंगे, और जैसे अपन ने क्या किया, फसल काट ली, ठीक है, उसमें से बीज निकाल लिए, फिर बीजों को अपन स्टोर करके रख देते, इकट्ठा कर देते। जब फसल का जब बोने का टर्न आता है तो बीज तो बोते हैं, तो इनके बीज के चारों ओर आवरण था, इसलिए क्या हुआ, खराब नहीं हुए, और पूरी पृथ्वी पे ज्यादातर इनका ही वर्चस्व है, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा पुष्पी पादप और सबसे बड़ा पुष्पी पादप, या ये कह सकते हैं जो आपके एंजियोस्पर्म है, आवर्त बीज है, इनमें क्या होगा, सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा होगा, गुल्फिया। सबसे छोटा पुष्पी पादप क्या है, गुल्फिया, और सबसे बड़ा पादप कौन सा है, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ये यूकेलिप्टस इतना बड़ा पादप है, इसका जो तना होता है वो पता नहीं 1000-2000 मीटर लंबा होता है, और एक ऑस्ट्रेलिया में है, पता नहीं कहाँ साउथ अफ्रीका में कहाँ है, तो इसके पेड़ की जो अंदर वाला पोर्शन है ना, वहाँ से गाड़ी ट्रेन वगैरह निकलती रहती है अंदर से। अगर किसी ह्यूमन बींग को ले जाके, किसी मनुष्य को इस पेड़ के नीचे ले जाके खड़ा कर दिया जाए, जैसे ये यूकेलिप्टस है, तो वो इतना सा दिखेगा, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा ऊंचाई भी उसकी होती है, इसका तना भी बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो तने के बीच में से अगर जगह निकाल के वहाँ से आपकी ट्रेन भी भेज सकते हो, आप गाड़ी है बड़ी ट्रक भी भेज सकते हो, इतना बड़ा, इतना इसके तने की मोटाई होती है। तो सबसे छोटा पादप कौन सा होगा, गुल्फिया, और यूकेलिप्टस के आपके सबसे बड़े आकार का पादप है। अब देखो जो एंजियोस्पर्म है उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चारे में किया जाएगा, भोजन में किया जाएगा, औषधियों में किया जाएगा। आप 10th में पढ़ चुके होंगे, मटर से क्या प्राप्त होती है, आपकी दाल प्राप्त होती है, चने से क्या प्राप्त हो रही है, दाल, तो ये भोजन के रूप में हो गया। चारा प्राप्त होता है जानवरों को खिलाने के लिए। औषधियाँ, जैसे आपके अश्वगंधा 10th में पढ़ी थी आपने, तो अश्वगंधा क्या है, एक तरह से औषधि है, वो भी कैसा है, आपका आवर्तबीजी पादप है। तो इनसे क्या क्या प्राप्त होते हैं, आपको चारा प्राप्त हो जाएगा, भोजन प्राप्त हो जाएगा, दालें प्राप्त हो जाएगी, औषधि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इनको अपन ने दो क्लासों में बांट दिया, आवर्त बीजी को आगे दो क्लासों में बांट दिया, वो कौन कौन सी है, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। एक हो गया आपका एक बीज पत्री और दूसरा क्या हो गया आपका, द्विबीजपत्री। अब इसको समझ लो, एक बीज पत्री का मतलब उसका जो बीज होगा उसमें एक ही बीज होगा, है नहीं। एक बीज पत्री का मतलब है इसका जो बीज पत्र होगा, कोटलेडिंग्स बोलते, एक बीज में एक ही बीज पत्र होगा। बीज अलग होता है, बीज पत्र अलग होता है। बीज पत्र का मतलब जैसे आपने चने की दाल ली, उसका छिलका हटाने के बाद ऐसी दो प्राप्त हो जाती है, तो ये दोनों कौन है आपके, बीज पत्र है। तो जो एक बीज पत्री होते हैं उसमें क्या होगा, एक बीज, जैसे आपने गेहूं को आप बराबर के दो हिस्से कर सकते हो, अगर गेहूं के दाने के नहीं कर सकते, ना आप बाजरे के कर सकते हो, ना मक्के के कर सकते हो, चने के कर सकते हो, मूंग के कर सकते हो, मटर के कर सकते हो, मूंगफली के कर सकते हो। तो मतलब जिनमें दो बीज पत्र उपस्थित है वो द्विबीज पत्री, ज्यादातर दालें आती है इसमें, और एक बीज पत्री में अनाज आएंगे। तो जो एंजियोस्पर्म है उनको आगे दो क्लासों में बांटा गया, द्विबीज पत्री और एक बीज पत्री, इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो एक बीज पत्री, सॉरी जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें नर भाग को क्या कहेंगे अपन, पुंकेसर। तो सबसे पहले देखते हैं पुंकेसर की संरचना।
पुंकेशन, ठीक है। पुंकेशन में क्या क्या होगा देख लो, परागकोश, ठीक है, योजी, और ये क्या होगा आपका कूतंतु। ये तो हो गया नर भाग खुशी। अब आइए कि दोबारा भी कह सकते हैं, ये तो हो गया आपका नर भाग, ये पूरा क्या हो गया आपका नर भाग। डायग्राम बनाने में ताकि दिमाग में रहे, अब ये घूमते रहेंगे अपने जब तक बोर्ड नहीं चलेगी, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आप लोगों, ठीक है। अब स्त्रीकेशन की बात करें या मादा भाग की बात करें तो मादा में क्या होगा, बहुत बार बना दिया वैसे मुझे, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलेंगे अंडाशय, और इसको क्या बोलेंगे थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में क्या बोलेंगे, थैलेमस हिंदी में पुष्पासन, इसको बोलते हैं हिंदी में पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है पुष्प जिस पे बैठा है, आसन के रूप में जिस पे है वो क्या कहलाएगा आपका पुष्पासन। तो ये पार्ट होते हैं, ये मादा भाग हो गया, ये सारा क्या हो गया आपका मादा भाग, और ये क्या हो गया आपका नर भाग। इस तरीके से क्या चलता रहता है आपके इनमें होता है। फिर अपन देखते हैं परागकोश में क्या होगा, मियोसिस विभाजन होगा। परागकोश में क्या होगा, मियोसिस विभाजन होगा, ये है आपका परागकोश। यहाँ क्या होगा, मियोसिस विभाजन होगा। मियोसिस विभाजन से क्या बनेंगे आपके परागकण बन जाएंगे। ये तो टेरिडोफाइटा में भी, सॉरी आपने जिम्नोस्पर्म में भी देखा था मियोसिस विभाजन होना था, ठीक है। स्त्रीकेशन में क्या होगा आपके, ये स्त्रीकेशन वाला, इसको हिंदी में स्त्रीकेशन भी बोलते हैं, पूरे को क्या बोलेंगे स्त्रीकेशन, स्त्रीकेशन पूरे को क्या बोलेंगे इसको स्त्रीकेशन, और इसको क्या बोलते हैं अपन पुंकेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जो स्त्रीकेशन होगा उसमें क्या होगा अंडाशय होगा, ये रहा आपका अंडाशय। अंडाशय में क्या होंगे आपके, अंडक होंगे, बीजांड होंगे, बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो समझो आप, जो आपका बीजांड होगा उसमें क्या होगा न्यूनीकृत विभाजन। न्यूनीकृत का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो बीजांड होगा उसमें कौन सा विभाजन होगा आपका, बीजांड में न्यूनीकृत विभाजन। कई बार क्वेश्चन आता है न्यूनीकृत विभाजन क्यों बोलते हैं, न्यूनीकृत विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जिससे क्या बनेगा आपके मादा युग्मकोश भी, और उससे क्या बनेगा आपका भ्रूणकोश, भ्रूणकोश बना रहा है, हाँ भ्रूणकोश बनेगा, क्या बनेगा आपका भ्रूणकोश। अब थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, देखो क्या होता है आपके बीजांड, ठीक है, बीजांड क्या है मादा भाग, उसमें न्यूनीकृत विभाजन होगा, उससे क्या बनेंगे आपके भ्रूणकोश बनेगा, ठीक है। भ्रूणकोश के अंदर कौन होगा, ये भ्रूणकोश है, इसके अंदर कौन होगा आपका भ्रूण होगा, भ्रूणकोश के अंदर कौन होगा आपका भ्रूण होगा। तो भ्रूणकोश में जैसे आपके अगर मनुष्य की बात की जाए, गाय भैंस की बात की जाए, तो जो माँ का गर्भाशय होता है, ठीक है, वो क्या करता है आपके भ्रूणकोश की तरह काम करता है, उसके अंदर क्या होता है आपका बच्चा होता है। वैसे ही पादपों में क्या होगा आपका, ये जो भ्रूणकोश होगा उसमें कौन होगा आपके भ्रूण। अब भ्रूणकोश क्या करेगा, जो विकसित हो रहा वाला भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करेगा। भाई भ्रूण विकसित हो रहा है, बन रहा है, उसको भोजन की जरूरत होती है, शुगर की शर्करा की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की, जल की, जो कुछ है ना वो कौन प्रदान करेगा, ये भ्रूणकोश प्रदान करेगा। अब भ्रूणकोश में होता क्या क्या है, भ्रूणकोश में होता
क्या क्या, देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ। तीन कोशिकाएं तो होगी आपके ऊपर की तरफ, बीच में दो केंद्रक होंगे, और तीन कोशिकाएं कहाँ होगी आपके, नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक इसको समझ लेना यार, तीन चार शब्द निकल के आएंगे द्वितीय केंद्रक, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिव्यासी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिव्यासी, ये दो में भी काम आएगा प्रतिव्यासी कोशिका। ये है आपकी अंडकोशिका और ये है आपकी सहायक कोशिका। जो नारियल पानी पिया होगा ना आपने कभी, नारियल पानी क्या होता है, गुड़ कोष होता है, गुड़ कोष होता है एंडोस्पर्म, उसके अंदर ये सब कुछ होता है। बाकी अपन कल देखेंगे, इसको डिटेल्स देखेंगे, ठीक है।